नेक्स्ट एक बैंकिंग सिस्टम को समझिए कि रीढ़ है, बैंकिंग सिस्टम का रीढ़ कहा जाता है। जैसे हम लोग के अगर आज के प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे तो वायुसेना में जैसे लगता है कि राफेल आने से सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है सब कुछ बदल जाएगा, बट वो एक प्राउड है, एक वो होता है कि नहीं यार राफेल है सब कुछ हो सकता है। उस टाइप का एक बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं कि SBI जहां खड़ी है तो एक तो गवर्नमेंट को एक बूस्टअप मिलता है, अरे भाई ये है ना SBI है, यहाँ पर एक फ्लो एक कंसिस्टेंटली चल रहा है। वरना बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा, हम लोग अगर स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स में पढ़ाते रहते हैं तो काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। बहुत सारे बैंक हम लोग के टाइम पे आए और हम लोग के वक्त में भी उनका बहुत ज्यादा इतना NPA हो गया या फिर जो कुछ हुए सर्वाइव नहीं कर पाए, बट SBI कंटिन्यूअसली अनस्टॉपेबल ग्रोथ, दैट्स ओनली एंड ओनली द हार्ड वर्क ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक यू। सर एक और चीज, दुनिया बहुत सारे चीज आप लोग शेयर अपने अनुभव से जाने होंगे या फिर वहां तक पहुंचा होंगे, जैसे कोरोना के सर ने बताया कि कोरोना के बीच में RT-PCR वगैरह वगैरह, हमने डायरेक्टली कोरोना के बीच में हम डॉक्टर प्रोफेशन से भी नहीं, हम PPE किट पहन के कोरोना वार्ड में गए, हर हॉस्पिटल में, इवन PMCH एकदम बिहार का मोस्ट हब था कोरोना मरीज के लिए, वहां जाके एक एक को समझना कैसे क्या हो रहा है, इवन हमने RT-PCR देखा कि कैसे किया जा रहा है उसको समझाया। तो आज हम आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि बैंकिंग में जो फ्रॉड होता है हम भी चाहते हैं कि सर हम उसे रोक सकें, बट हमारे पास एक्यूरेट डाटा या वो एनालिसिस उतना नहीं है जितना आप लोगों को अनुभव है। तो सर हम आपसे ये कहेंगे कि हमको अगर वो प्रोवाइड हो जाए तो सर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी और गरीब लोगों की जरूर हेल्प कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा है सर, बहुत बहुत गलत हो रहा है।